हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की स्टूडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे। आज की स्टूडियो में डिस्कशन करेंगे कि चैट जीपीटी से आप साइट मैप को कैसे जनरेट करें, चैट जीपीटी से आप रोबोट टीएक्सटी फाइल को कैसे जनरेट करें। इस स्टूडियो में कम्प्लीट ये प्रोसेस बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि रोबोट टीएक्सटी फाइल का क्या टैक्सन अपनी वेबसाइट में रखें, जिससे हमारी वेबसाइट को नुकसान हो, हमारी वेबसाइट क्रोल हो। उसके बाद इस चीज़ में कन्फ्यूज जाते हैं कि साइट मैप हमारी वेबसाइट कहाँ से जनरेट करें, क्योंकि साइट मैप को जनरेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट होती हैं, तो कहाँ से जनरेट करें। तो वो सब चीज़ें आप चैट जीपीटी से कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर। तो ये इजीली बहुत इजी प्रोसेस है, चैट जीपीटी से आप अच्छा साइट मैप जनरेट कर सकते हो, अच्छी रोबोट टीएक्सटी फाइल जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो किस तरीके से करना है वो मैं आपको स्टूडेंट बताने वाला हूँ, तो स्टूडियो बिल्कुल आखिर तक देखना, इस वीडियो को कोई मिस मत करना। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पीछे स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस, हम आगे अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ से मैंने चैट जीपीटी को ओपन किया हुआ है। तो आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि चैट जीपीटी का साइट मैप किस तरीके से जनरेट करें, रोबोट टीएक्सटी फाइल किस तरीके से जनरेट करें, और आपको ये बता दूंगा कि उनको पोस्ट कहाँ पे करना होता है जाके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इस वेबसाइट का लॉफुली एनएक्स वेबसाइट है, जो हमारी यह एक डेमो वेबसाइट हमने बनाई हुई है, इसमें हम आपको सभी वर्क करके दिखाएंगे, जिससे कि आप ये सब चीज़ों को समझ सके, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का सबसे पहले मैं रोबोट टीएक्सटी फाइल जनरेट करके दिखाता हूँ आप कहाँ से रोबोट टेक्स्ट फाइल, कैसे चैट जीपीटी से रोबोट टेक्स्ट फाइल जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले एक कोडिंग होती है, ये कोडिंग मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली इन कोडिंग का यूज कर से जनरेट कर सकते हो। तो इस कोडिंग कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे चैट जीपीटी में आ जाना है, यहाँ पे अकाउंट बनाना है। जैसे सबको पता है, अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे ये फ्री में ट्रायल देता है, फ्री भी थोड़े बहुत इस पर आंसर वगैरह निकाल सकते हो, बाकी अकाउंट बना लेना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज चैट जीपीटी में आने के बाद हमने सिंपल यहाँ पे कॉपी करना है इस कोडिंग को। इस कोडिंग में मैंने लिखा हुआ है, कैन यू जनरेट रोबोट डॉट टी एस टी फाइल टू द वेबसाइट, भाई मेरे को आप जनरेट कर सकते हो रोबोट टी एस टी फाइल दिस वेबसाइट की, ठीक है। क्योंकि मेरे को नहीं करनी आती, मेरे को आइडिया भी नहीं है कि क्या रोबोट टी एस टी फाइल रखूँ मैं, कि हमारी वेबसाइट क्रोल हो, हमारी वेबसाइट किस तरह की प्रॉब्लम है। क्योंकि रोबोट टी एस टी फाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप किसी को अगर जैसे सर्च इंजन को डिसलो कर देते हो ना, तो गूगल भी आपकी वेबसाइट को गूगल आपकी क्रोल करना बंद कर देगा, उसको आपकी वेबसाइट शो ही नहीं होगी, ठीक है। तो रोबोट डॉट टी एस टी फाइल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो हमने कोडिंग लिखनी है, कैन यू जनरेट रोबोट टी एस टी फाइल टू दिस वेबसाइट, लिखने के बाद यहाँ पे सिंपल हमने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देखो, जैसे ही हमने इसको सर्च किया तो उसने ये रोबोट टीएक्सटी फाइल जनरेट कर दी है, ठीक है। इसने ऊपर लिखा, श्योर आई कैन हेल्प यू क्रिएट रोबोट टीएक्सटी फाइल सर्च इंजन पार्ट्स ऑफ वेबसाइट शुड लुक क्रोल, भाई आपकी वेबसाइट को हम रोबोट टीएक्सटी फाइल करेंगे ताकि सर्च इंजन आपकी वेबसाइट क्रोल कर सके, कोई दिक्कत ना है आपकी वेबसाइट में, ठीक है। तो उसने रोबोट टीएक्सटी फाइल को यहाँ पे इसने वो कर दिया है, ठीक है, वेबसाइट की रोबोट टीएक्सटी फाइल को यहाँ पे जनरेट कर दिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने सिंपल इस कोड को कॉपी करना है, यहाँ पे जो ये कोड है हमारा यहाँ पे, और इसे नीचे दिखा भी रखा है कि यूजर एजेंट दिस अपील्स डेट रूल्स ऑफ आल वेब क्रोलर, जिसने सब चीज़ के बारे में जो जो इसने ये बता रखा है ना कि डिसअलो लॉग इन डिसअलो प्राइवेट अलो अलो कर रखा है, ये जो लिखा हुआ है इसने, इसके बारे में सब इसने चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। ये पढ़ लेना आप, ये समझ में आ जाएगा आपको कि जैसे कि डिसअलो एडमिन प्लीज क्रोल फ्रॉम एक्सिंग द एडमिन डायरेक्टली, तो मतलब कि ये जो चीज़ इसने करी है ना, इसमें रोबोट टीएक्सटी फाइल ने जो कॉपी कोड किया हुआ है, इसमें इसने हर चीज़ की डेफिनेशन दे रखी है। जैसे पहले ये डिसअलो एडमिन डिसअलो लॉगिन, तो उसने सब के बारे में बता रखा है कि इसका क्या रोल है, मैंने इस क्यों आपकी वेबसाइट में इस चीज़ को अलो किया है, कुछ डिसअलो किया है, ठीक है। और ये लास्ट में अलो किया हुआ है इसने, इसके बारे में बता रखा है, ये देखो, अलो अक्रोल टू एक्सेस एवरीथिंग एल्स ऑन द वेबसाइट, मतलब कि अलोवर जो भी इस वेबसाइट पर वर्क करेंगे, फोन पे एस वगैरह सबके पास के एक्सेस रहेगा वेबसाइट का, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से आप डेफिनेशन को समझ सकते हो। चलिए, मेन हमने कोड जनरेट कर लिया रोबोट टीएक्सटी फाइल का, अब हमने इसे कॉपी करना है कोड को। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो आपको क्या करना है, और आप जो स्टैचर यूज करते हो तो आपको हमारे अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाना है अगर आप जो स्टैचू यूज करते हो तो आपको जो स्टैचू में आ जाना है। जो स्टैचू में आ जाने के बाद आपको टूल्स पे जाना है, सिंपल टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे फाइल एडिटर का ऑप्शन दिख जाता है, फाइल एडिटर का। जैसे फाइल एडिटर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी रोबोट टीएक्सटी फाइल शो हो जाएगी, ये ठीक है। आप यहाँ पे उस कोड को इजीली पोस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आप इजीली पोस्ट कर सकते हो रोबोट टीएक्सटी फाइल को। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अपनी वेबसाइट का साइट मैप किस तरीके से जनरेट करें, ठीक है। ये मैंने आपको रोबोट टीएक्सटी फाइल बता दी है कि कैसे जनरेट करें और किस तरीके से यहाँ पे हमको पेस्ट करनी है वेबसाइट, ठीक है। तो उसके बाद एक कोडिंग हो रहा है, तो उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। इसके बाद हम साइट में आपको जनरेट करेंगे। साइट में आपको जनरेट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने सिंपल यहाँ पे सर्च करना है। इसके बाद यहाँ पे
हमने ये सर्च किया है यहाँ पे कैंड यू जनरेट XML साइट मैप फाइल टू द वेबसाइट, ठीक है। इसने जनरेट किया भाई, आप इस वेबसाइट का साइट मैप जनरेट कर सकते हो। तो इसने ये सब इसे साइट मैप दिखा दिया और इसने हमें सजेशन भी दिया है कि अगर आप चाहते हो तो आप इजीली यहाँ से इस वेबसाइट पे जाके इजीली यहाँ पे वो कर सकते हो, साइट मैप को जनरेट कर सकते हो। XML साइट मैप .com है, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का URL को फिल करना है और यहाँ पे स्टार्ट करना है। उसके बाद ये हमारी वेबसाइट स्क्रॉल करके यहाँ से साइट मैप जनरेट कर देगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, और एक इसने ऊपर ये भी दिखा दिया है कि ये आपकी वेबसाइट का ये रहा आपकी वेबसाइट का XML साइट मैप, ठीक है। ये रहा, ये रोबोट टेक्स्ट फाइल हो गई हमारी वेबसाइट की, और ये होगी XML साइट मैप। तो मैं यहाँ पे सिंपल कॉपी करना है साइट मैप को, ओपन करके देख लेते हैं। जैसे हम ओपन करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट का साइट मैप रहा है, ठीक है। और उसके बाद इसने ये भी बता रखा है कि सबमिट द साइट मैप, किस साइट वॉल में जाके साइट मैप को सबमिट करना है, ठीक है। और इसमें नेविगेट टू साइट मैप एंड सबमिट योर, इसमें ये बता रखा है इसने कि सबसे पहले गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके गूगल सर्च कंसोल टूल को सर्च करो, फिर वहाँ पे सबमिट साइट मैप को ऑप्शन आ जाता है, वहाँ पे साइट मैप को सबमिट करो, ठीक है। उसके बाद अगर बिंग में करना चाहते हो तो बिंग में जाओ, गो टू बिंग वेब मास्टर टूल, ये वर्ड प्रेस के अंदर होता है, और उसके बाद सबमिट साइट मैप URL, ठीक है। तो आप इसको ये बता रखा है कि इन साइट मैप को आप गूगल सर्च कंसोल में जाके पेस्ट करो, और यहाँ पे बिंग वे मास्टर टूल में भी आप इजीली साइट मैप को पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जिससे आपकी वेबसाइट गूगल क्रोल करेगा, आपको साइट मैप क्रोल करेगा, उसको रैंक पे लेके जाएगा। तो इसकी हेल्प से हम इजीली सब कुछ कर सकते हैं, इसकी हेल्प से ऐसा कोई काम नहीं जो हम नहीं कर सकते हैं। अब मैंने आपको स्टूडेंट था जो रोबोट टेक्स्ट फाइल पे, हमें रोबोट टेक्स्ट फाइल को किस तरीके जनरेट करना है, वो किस तरीके से जाके वर्डप्रेस की वेबसाइट है तुम आगे जाके पोस्ट करना है। अगर आप किसी और आपके प्लेटफॉर्म पे साइट है तो उसका प्रोसेस अलग रहेगा पेस्ट करने का, ठीक है। उसके बाद साइट मैप जनरेट करना सिखा दिया, इस कोडिंग से आप साइट मैप भी ये जनरेट कर सकते हो। साइट मैप में सजेशन दिया हमें कि आप इस वेबसाइट से साइट मैप जनरेट कर सकते हो, ये सजेशन दिया इसने, और उसने खुद दिखा भी दिया है कि आप यहाँ से देख सकते हो और इस वेबसाइट से भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस वेबसाइट से करोगे या इस किस कैसे करोगे। तो हमने इजीली साइट मैप को जनरेट कर लिया। उसके बाद हमने साइट मैप को गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना होता है, वो आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाइए, उसका लिंक मैं बटन में दे दूंगा, आप इजीली वहां से जाके देख सकते हो और अपनी वेबसाइट का साइट मैप को आप गूगल सर्च कंसोल में इजीली सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद इसने सब प्रोसेस बता दिया है कि साइट मैप जनरेट करने के बाद सर्च कंसोल में पेस्ट करो और बिंग में मास्टर टूल पे अपनी साइट मैप को पोस्ट करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इजीली आप इसकी हेल्प से साइट मैप को साइट मैप को जनरेट कर सकते हो, रोबोट टेक्स्ट फाइल जनरेट कर सकते हो, चैट जीपीटी हेल्प से सब कुछ कर सकते हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं उसकी हेल्प से कुछ बनना हो, सब कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी, आप समझ गए होंगे रोबोट टेक्स्ट फाइल को कैसे जनरेट करना है और कहाँ पे जाके पोस्ट करना है, साइट मैप को कैसे जनरेट करना है और कहाँ पे जाके पोस्ट करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग इस चीज़ के बारे में समझ सके। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी है, आपने बहुत कुछ नया सीखा इस वीडियो से, तो इस वीडियो को ज़्यादा तो हमारे चैनल ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ठीक है। तो और हम इंस्टाग्राम टेलीग्राम फॉलो करना मत भूलें, वहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट शेयर करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।